खंडवा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर में अवैध कारोबार जोर शोर के साथ संचालित हो रहे हैं। यूं तो ओमकारेश्वर भगवान देवाधिदेव महादेव की नगरी 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार होकर विश्व के मानचित्र पर अलग धार्मिक पहचान रखती है, परंतु इसकी यही प्रसिद्धता आपराधिक विश्व प्रवृत्ति के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। ओमकारेश्वर में कई प्रकार के अवैध कारोबार खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिनकी लगातार सूचनाएं जिला पुलिस अधीक्षक तक आ रही थी। इसके चलते शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने विशेष टीम गठित कर नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे को किसी भी कीमत पर ओमकारेश्वर से सट्टा चलाने वाले गिरोह को पकड़ने की जवाबदारी दी थी। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित की और हम रेड के लिए रवाना हुए, तो हमने मौके से सट्टा पर्ची जब्त की है और उसमें करीब हमने 17 मोबाइल जब्त करे हैं, 4 और आरोपी हैं और ये इनका करीब 1,00,000 का जो स्टेटमेंट है सट्टे का वो पकड़ा है। जी सर, और सर आगे कुछ आगे की कार्रवाई के बारे में? बस इनके अभी FIR हम लोग कर रहे हैं और आगे और भी इनके जो जहाँ नेक्सस है उसके लिए हम अभी लगे हुए हैं, इनसे और पूछताछ कर रहे हैं कि और इनका कहीं सप्लाई तो नहीं है। सर इनका मुख्य आरोपी जो से और कोई माफिया इनके कुछ? इनका गजेंद्र अग्रवाल नाम का इनका मुख्य आरोपी, तो अभी उससे और पूछताछ चल रही है, अगर आने आता है तो आगे कोई सूचना मिलती तो हम आपको। सर आपका परिचय? मैं ललित गठरे CSP खंडवा। थैंक यू सर। ये आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिर ने सूचना दी थी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में सट्टा चल रहा है, इस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम भेजी गई थी, हम लोग भी शरीफ थे और उसमें CSP श्री ललित गठरे साहब आए थे खंडवा से, उनके साथ आरक्षक अंकित सुनील और मनीष चौहान और सुनील सहीदे और मेरे थाने का स्टाफ था SI कुशवाहा, मैं और अन्य सिपाही थे उसमें साथ में, कृपाराम प्रमोद सब ने मिल करके एक ये कालूराम भोई वार्ड नंबर 9 में जो है उनके मकान में सट्टा लिखने की सूचना मिलने पर दबिश दी गई, जिस पर से केशव लक्ष्मण अजय और गजेंद्र नाम के व्यक्तियों को 4 आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से 17 मोबाइल मिले हैं और सट्टा की पर्चियां और सामग्रियां जो पड़ी है करीब 1,00,000 के आसपास की पर्चियां हैं ये मिली है और इसमें 3/4 जुआ एंटिटी का भी कायमी की जाकर विवेचना की जाती है। अब वो जाँच का विषय है, अभी हम विवेचना कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।